नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेट टूर्स पर, और आप देख रहे हैं पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज, वो भी बिल्कुल अपनी लैंग्वेज हिंदी में। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पीएचपी फंक्शन के बारे में। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का जो सेक्शन है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप फंक्शन के मदद से स्टार्टिंग में अपना लॉजिक वगैरह सब कुछ बनाएंगे कि आपका एप्लीकेशन, आपका जो भी वेबसाइट होगा वो किस तरह से काम करेगा, क्या फंक्शन करेगा, वो आप फंक्शन के मदद से ही बनाएंगे। वैसे आज पहला क्लास है फंक्शन का, तो आज आप कोई बहुत ज़्यादा बड़ी फंक्शन बनाना नहीं सीखेंगे, बस आप फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है वो आपको बताऊंगा। तो चलिए, फंक्शन को हम लोग थ्योरी में समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें तो ईजिली समझ जाएंगे। तो आपके पास एक ब्लैंक पेज यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग अपना PHP स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एंडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, PHP हम लोग बस स्टार्ट करेंगे, एंड नहीं करेंगे। और इसके नीचे हम लोग एक कमेंट्स लगा देते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे PHP, और PHP के अंदर हम लोग पढ़ेंगे PHP का फंक्शन, ठीक है। तो PHP में फंक्शन को डिफाइन करना बहुत ही आसान है, कि आप क्या फंक्शन बनाना चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आज चाहता हूँ, एक सीनेरियो है कि आज मैं अपना नाम जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, उसकी एक फंक्शन चाहता हूँ। ये बहुत ही बेकार फंक्शन है सुनने में, लेकिन समझने के लिए इसी तरह बेसिक लेवल से ही समझना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको करना होगा फंक्शन को डिफाइन, ठीक है। पहले हम लोग फंक्शन को लिखेंगे, तो फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, आपको इस तरह से लिखना होगा फंक्शन यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप फंक्शन लिखेंगे और उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं नेम डिस्प्ले वाली फंक्शन बना रहा हूँ, तो इस तरह से हम लोग रखेंगे और एक यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट देंगे और एंटर करेंगे, और इस जगह पे होगा हमारा कोड ब्लॉक, जो भी हम लोग अपना लॉजिक वोजिक जो लगाना चाहते हैं तो वो इस एरिया में रहेगा। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ, हम लोग यहाँ पे एक चीज़ इको कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखता हूँ माय नेम इज एडवर्ड, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ से लिख सकते हैं। अब मैंने ये लिख दिया है, इसे हम लोग सेव कर देते हैं, और इसी चीज़ को ब्राउजर में जाके देखते हैं कि जो हमने अभी नेम फंक्शन बनाया वो दिखाएगा कि नहीं। तो हम लोग ब्राउजर में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको नहीं दिखेगा। फंक्शन में PHP में आपको रूल है कि फंक्शन डिफाइन करने के बाद उसे कॉल करना पड़ता है, तो हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल करना बहुत ही आसान है, आपको सिंपली लिखना होगा फंक्शन का नाम, ठीक है, और उसके बाद में आपको इस तरह से ब्रैकेट लगानी होगी, बस हो गया, और आपको कुछ नहीं करना। अब हम लोग सेव करेंगे, देखते हैं कि हमारा ये फंक्शन कॉल करने के बाद में काम करता है कि नहीं। तो अब हम लोग रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं माई नेम इज एडवर्ड, थोड़ा इसे मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं माय नेम इज एडवर्ड यहाँ पे आपको दिखा रहा है, तो हमारा जो फंक्शन है वो काम कर रहा है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है फंक्शन लिखने का, इस तरह से फंक्शन एक्चुअल में नहीं लिखा जाता। तो अगर मान लीजिए अभी मुझे नाम बदलना होगा, तो फिर से मैं यहाँ से इसे चेंज करूँगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं चेंज करना चाहता हूँ माई नेम इज जे, तो यहाँ पर मैं चेंज करूँगा, इसे सेव कर दूंगा इस तरह से, और इस बार हम लोग जाके रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिखाएगा माई नेम इज जे, लेकिन फिर भी अभी भी तरीका सही नहीं हुआ। तो इसे सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक आर्गुमेंट लेंगे। ये आर्गुमेंट क्या होती है और उसके बाद रिटर्न टाइप क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन आज हम लोग फंक्शन का एक छोटा वर्जन, क्योंकि कोई भी चीज़ को समझने के लिए हमें पहले उसकी बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, और जिन लोगों को पूरा टॉपिक के ऊपर में पढ़ना है वो इस वीडियो को अभी स्किप करके चले जाएँ, क्योंकि जब तक आप उसके डिटेल्स नहीं समझेंगे तो सिर्फ पढ़ के नहीं होता है। दो मिनट में फंक्शन को समझने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो इम्पॉसिबल नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जिनको लगता है कि मैं ज़्यादा बात करता हूँ या फिर ज़्यादा लंबा वीडियो बनती है, तो वो लोग वीडियो को यहीं पे छोड़ दें, YouTube में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, वो लोग जाके देख सकते हैं। और जिनको लगता है समझना है, डिटेल्स जानना चाहते हैं, वो इस वीडियो को कंटिन्यू करें। अब हम लोग यहाँ पे एक आर्गूमेंट लेके भी इसे कर सकते हैं, आर्गूमेंट के बारे में डिटेल्स और कैसे यूज करना है उसकी डिटेल्स आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर एक आर्गूमेंट लेता हूँ, जो आर्गूमेंट मैं यहाँ पर पास करूँगा, थोड़ा सा अभी ज़्यादा हो रहा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगी जब एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक आर्गुमेंट लेते हैं, और आर्गुमेंट लेने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉलर, और उसके बाद में हम लोग लिखेंगे नेम। ये एक वेरिएबल है फंक्शन के अंदर में, अगर आप वेरिएबल लेना चाहते हैं तो आर्गुमेंट के थ्रू से हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। और ये जो इको दिखा रहा है, इको में हम लोग हार्ड कोडेड नहीं करके यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इस तरह से इको नेम, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम लोग जो यहाँ पे नेम पास करेंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे कैच करेगा आर्गुमेंट और यहाँ से इको करेगा। तो चलिए एक बार हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो नेम में यहाँ पे मैं अपना नाम जो है उसे पास कर देता हूँ, ठीक है, सिंगल कोट में मैं इसे लिख देता हूँ एडवर्ड यहाँ पे इस तरह से, और इसे हम लोग सेव कर देते हैं। अब क्या होगा कि फंक्शन यहाँ से जो मैं आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ अपना नाम, वो कैच करेगा इस वाले वेरिएबल पे, और नीचे जो फंक्शन कोड ब्लॉक है यहाँ से वो उसे डिस्प्ले करेगा। तो कर रहा है कि नहीं अभी चेक कर देते हैं, सेव कर लेते हैं हम लोग सेव। और ये मैं फ्री वर्सन चला रहा हूँ ताकि आप लोग सभी को चला सकते हैं, सबलाइम का फ्री वर्सन आप जितना दिन तक यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। अब हम लोग ब्राउजर पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे और आपको दिखा रहा है एडवर्ड। तो इस बार हम लोग आगे में एक यहाँ पे ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है, सिंगल कोट लगा के यहाँ पे मैं इसे ज्वाइंट कर दूंगा कि माई नेम इज, और उसके बाद में ये जो कोट है इसको एंडिंग करते हुए यहाँ डॉट, ये ज्वाइंट करने के लिए पीएचपी में ज्वाइन करने के लिए लगाया जाता है, इसे कंकैटिनेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग ये जो एम है इसको मैं बड़ा कर देता हूँ पहले, ठीक है। अब माई नेम इज उसका बाद में डॉलर नेम, अब मैं एडवर्ड पास कर रहा हूँ तो मुझे दिखाएगा माई नेम इज एडवर्ड, अगर दूसरा नेम पास करूंगा तो दिखाएगा दूसरा, तो ये डायनेमिक बन जा रहा है। तो सेव करते हैं, देखिए धीरे धीरे प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ सकती है। अब रिफ्रेश करेंगे, आप देखिए माई नेम इज एडवर्ड दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें स्पेस नहीं दिखा रहा है, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो आपको स्पेस खुद देना होगा। तो हम लोग इज के बाद में एक स्पेस लगा देंगे इस तरह से। अब हम लोग सेव करते हैं और उसके बाद ब्राउजर में देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं माई नेम इज एडवर्ड दिखा रहा है। तो मान लीजिए अब मैं जे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो सिंपली हमें यहाँ पे चेंज करना होगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा जे, और उसके बाद में मैं इसे सेव कर दूंगा, और इस बार हम लोग जाके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे इसे, और आप देख सकते हैं माई नेम इज जे। तो हमारा छोटा मोटा फंक्शन जो नेमिंग प्रिंट का था वो काम कर रहा है, ठीक। इस तरह से आप फंक्शन को समझ सकते हैं। अब लेकिन ये सही तरीका नहीं है, हमने यहाँ पे एक आर्गुमेंट भी लिया है और यहाँ पे हम लोग उसे कॉल भी कर रहे हैं और उसे यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग इको कर रहे हैं, तो फंक्शन के अंदर में कभी भी इको नहीं करना चाहिए। इको इको जो भी मैं बोलूँ दोनों का एक ही मतलब है, आप जैसा समझना चाहें, ठीक है। कभी कभी मैं इको बोल सकता हूँ, कभी कभी इको बोल सकता हूँ, एक ही बात है। तो फंक्शन के अंदर में आपको इको नहीं करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए उसके बदले में आपको करना चाहिए रिटर्न। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होगा रिटर्न, और उसके बाद में यहाँ पे सेम चीज। अब हम लोग इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद में हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपको कोई चीज नहीं दिखाएगा, क्यों, क्योंकि फिलहाल ये जो काम कर रहा है, ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया है वो सेम टू सेम इसका साथ है, लेकिन कहीं पे इको हुआ नहीं है, तो हमें उसे इको करना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं इसको इको करके, ठीक है, इसे हम लोग चाहें तो इको करा सकते हैं। तो अब हम लोग सेव करते हैं, देखते हैं इको होता है कि नहीं वो। तो अब हम लोग रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं माई नेम इज जे, इको हो गया, सेम काम को मैंने थोड़ा सा बदल दिया। मैं जानता हूँ किसी किसी का अभी थोड़ा सा सर दुखना चालू हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, देखिए मैं इजी वे से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ फिर से एक बार, लास्ट टाइम के लिए ध्यान से सुनिए। पीएचपी में फंक्शन को समझना बहुत आसान है, फंक्शन लिखने के लिए पहले कीवर्ड फंक्शन लिखना होता है, फिर फंक्शन का नाम लिखना होता है, और यहाँ ब्रैकेट लगानी होती है, ये होती है आर्गुमेंट के लिए, ठीक है। आर्गुमेंट का फिलहाल के लिए मतलब समझिए वेरिएबल, ये टेक्निकली राइट नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। फिर नीचे आपको जो आपका कोड ब्लॉक होगा वो आपको लिखना है, और याद रखें कि फंक्शन के अंदर में आप कभी एको का इस्तेमाल ना करें, रिटर्न करें फंक्शन। आपने एक कोड को फंक्शन दिया हुआ है कि ये काम करेगा, और आपको उसका जो रिजल्ट है उसे वो आपको रिटर्न करके देगा, और उसे आपको खुद बाद में उसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माई नेम इज, और यहाँ पे आपका डॉलर नेम जो है वो रिटर्न हो रहा है। तो माई नेम इज हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, या फिर बाद में जब हम लोग यूज करेंगे तब भी HTML में उसे लगा सकते हैं बाद में। तो अब हम लोग इसे सही करते हैं, इसे एको ना करके हम लोग एक यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डॉलर, उसके बाद में यहाँ पे कर देता हूँ नेम, और इसे हम लोग असाइन कर देते हैं इस वाले फंक्शन पे, ठीक। अब क्या हुआ कि ये जो नेम यहाँ पे वेरिएबल लिया गया है उसमें आपका जो फंक्शन है, ये जो इतना दूर का फंक्शन है, ये टोटल यहाँ तक आके इस नेम में सेव हो चुका है। अब बहुत आसान हो गया, देखिए अभी हम लोग एको करेंगे, डायरेक्टली एको करेंगे, और किसको एको करेंगे, हम लोग वेरिएबल को। इस बार हम लोग इस तरह से नेम वेरिएबल को एको कर देते हैं, अब देखेंगे सेम रिजल्ट आएगा। तो हम लोग इसे रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं माय नेम इज जे। तो अगर बेसिक लेवल पे लिखा जाए तो ये सही तरीका है एक फंक्शन को लिखने का, और उसके बाद उसे कॉल करने का, और उसे डिस्प्ले करने का। और यहाँ पे हमेशा रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे इको नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग अंदर में यूज कर लेते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। और अगर फंक्शन को मैं बताऊं कि ये कितने तरीके के होते हैं, तो नॉन टेक्निकली मैं आपको बताता हूं कि फंक्शन
चार प्रकार के हो सकते हैं। पहला विथ रिटर्न टाइप जो अभी आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, विदाउट रिटर्न टाइप जो आपने देखा, और एक शुरू में हमने बनाया था तो आर्गुमेंट नहीं लिया था विदाउट आर्गुमेंट, और विथ आर्गुमेंट भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और नेम के साथ साथ अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे अपना एज भी ले सकता हूँ। तो हम लोग दूसरा वेरिएबल लेते हैं इस बार, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं दूसरी वाले को, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लगाना होगा आपको डॉलर साइन, आपको डॉलर साइन कभी नहीं भूलना है, ठीक है। और आपको लगाना होगा एज, तो हम लोग इस बार नेम भी लेंगे और एज भी लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं कि रिटर्न टाइप माय नेम इज, यहाँ पे नेम हो गया, और उसके बाद में हम लोग और लंबा इधर जोड़ते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे फिर से जोड़ देता हूँ, स्पेस एक दे दूंगा मैं यहाँ पे, एंड माय एज इज, उसके बाद में जो मेरा एज रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे एज को हम लोग डिफाइन कर देंगे डॉट, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे फिर से डॉलर साइन लगाएंगे और एज यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो ये रहा कुछ इस तरह से। अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ नाम पास करेंगे और नाम के साथ में एज भी हमें पास करना होगा। तो हम लोग दो लेंगे, और जय है, और जय का जो एज है वो मान के चलते हैं 21 है अभी के लिए, ये एग्जाम्पल है, जय का सच में एज 21 नहीं है। अब हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। माई नेम इज जय एंड माई एज इज 21, ठीक है। या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आई एम 21 लिख सकते थे हम लोग, चलिए वो लिखते हैं, अच्छा लगेगा। इसको काट देते हैं, मेरी इंग्लिश आपको पता ही है कि बहुत बुरी है, तो मुझे इंग्लिश उंग्लिश आता नहीं है, तो आप अपने हिसाब से लिख लेना। मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, स्पोकन इंग्लिश तो मेरा से होता नहीं है। माई नेम इज जय एंड आई एम 21, ठीक है। अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा, तो अब मैं सेव कर देता हूँ इसे, और अब हम लोग रिफ्रेश करते हैं जाके, ठीक है। अब माई नेम इज जय एंड आई एम 21, ठीक है, ठीक लग रहा है। जो भी आपको एग्जाम्पल होगा, इसीलिए मैं हिंदी में लिखता हूँ, जो भी हमारे वेरिएबल होते हैं मैं हिंदी में डिफाइन करता हूँ, ताकि आपको समझाने में आसान होता है, ठीक है। तो अब हमने ये एक सिंपल सा बताया जिसमें हम लोग नेम चेंज कर सकते हैं। अभी मान लीजिए जय है, मैं इसको कुछ और चेंज करना चाहता हूँ, राज है, और उसका जो एज है वो मान के चलिए 26 है। तो अब हम लोग सेव कर देंगे, और इस बार हम लोग जाके रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं क्या दिखाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं माई नेम इज़ राज एंड आई एम 26, ठीक है, अब ठीक दिखा रहा है। और उसके बाद में अब हम लोग एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक छोटा सा देखते हैं। तो यहाँ पे नेम के जगह पे हम लोग एक काम करते हैं, नेम को चेंज कर देते हैं, और इसे कर देते हैं नम वन, ठीक है, और इसे हम लोग चेंज कर देते हैं नम टू, सॉरी ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे, इसको हम लोग वापस ले आते हैं, यहाँ पे नेम ही रहने देते हैं और यहाँ पे एज ही रहने देते हैं, हम लोग एक नया बना लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग कॉपी करते हैं, आप कभी कॉपी मत करिएगा, दो बार लिखिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कुड़िया हूँ और मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं दो बार कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नेम के जगह पे हम लोग लिखेंगे, सेकेंड वाला जो है वो नेम फंक्शन नहीं बनाएंगे, हम लोग ऐड फंक्शन बनाएंगे, एडिशन वाली फंक्शन, ठीक है। तो इसका नाम मैं ऐड रख देता हूँ, ऐड फॉर एडिशन, जो आप नाम रखना चाहें, ठीक है, या फिर इसका नाम सम रख देते हैं, अच्छा रहेगा, सम दोनों का सम मिला के कितना होगा वो बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा नम वन पहला वेरिएबल, दूसरा नम टू दूसरा वेरिएबल, और यहाँ पे रिटर्न जो है वो हम लोग रिटर्न ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग करने वाले हैं रिटर्न, यहाँ पे हम लोग रखेंगे डॉलर रिजल्ट्स, ठीक है, और उसके बाद में इक्वल्स टू हम लोग कर देंगे नम वन प्लस नम टू, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूंगा डॉलर नम वन, हम लोग दोनों को ऐड कर रहे हैं, प्लस कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे दूसरा वाला डॉलर नम टू, इसे भी हम लोग प्लस कर देंगे। अब दोनों प्लस हो चुका है, तो रिटर्न में हमें क्या करना होगा, जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमें यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसे डॉलर और उसके बाद में रिजल्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रिजल्ट इस तरह से रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने के बाद में अब हम लोग अपना फंक्शन जो है उसको यहाँ पे, जो हमारा एडिशन फंक्शन है उसे हम लोग यहाँ पे सम दिखाएंगे, और इसके बाद में हम लोग कम जो कॉल करेंगे सम फंक्शन को, और यहाँ पे हम लोग दो नंबर डिफाइन करेंगे। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और इको जो है वो सम रहेगा इस तरह से। तो अभी हमने एक एडिशन का फंक्शन बनाया, हम लोग एक फंक्शन बनाए जहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, कुछ कैलकुलेटर का ये छोटा वर्सन वाला हमने यहाँ पे बनाया है, ओके। और आप चाहें तो इसे कमेंट्स कर सकते हैं, ये हमें कुछ ऐसे अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे कमेंट्स कर देता हूँ। अब नीचे वाला पे हम लोग फोकस करते हैं।
तो हमने एक एडिशन की फंक्शन बनाई है जिसमें हम लोग दो नंबर लेंगे और उसे हम लोग रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग नंबर लेते हैं। पहला नंबर मैं लूँगा 10 और दूसरा नंबर मैं लूँगा 10। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। सेव, और जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। आप रिजल्ट देख सकते हैं 20। ठीक है, और यहाँ पे टोटल हम लोग लिख सकते थे या रिजल्ट बोल के लिख सकते थे, जो हम लोग यहाँ पे इको कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टोटल, कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ मैं टोटल, अगर मैं चाहूँ तो। टोटल सम हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल सम ऑफ टू नंबर, कुछ भी जो आप लिखना चाहें। देखिए ये तो आपके ऊपर में है, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे डॉट लगा देंगे तो थोड़ा सा ठीक दिखाई देगा कुछ, मुझे लग रहा है, क्योंकि खाली 20 में अच्छा नहीं लग रहा था। टोटल सम ऑफ टू नंबर 20, जो हमने नंबर दिया था वो 20 हो रहा है। अब हम लोग चेंज करते हैं, 10 10 के जगह पे एक को रखते हैं 1000 और दूसरे को रखते हैं 500। देखते हैं ये हमारा फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। सेव, और इस बार हम लोग करेंगे रिफ्रेश, और आप देख सकते हैं 1500 हमें दिखा रहा है। तो इसमें समझने की बात ये है कि ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने दिखाया आपको, नेम डिस्प्ले करने वाला एग्जाम्पल ऊपर आपने देखा, दूसरा एडिशन करने वाला। उसी तरह आप डेटाबेस कनेक्शन वाली फंक्शन बना सकते हैं, आगे चल के पोस्ट को हैंडल करने वाले फंक्शन बना सकते हैं, यूजर क्रिएट करने वाले फंक्शन बना सकते हैं। तो इसी तरह से आगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आप जाएंगे तो ये बेसिक है फंक्शन का। आगे चल के आप इसका ऊपर वर्सन का फंक्शन बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। धीरे 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 आप फंक्शन को समझ पाएंगे, और फंक्शन को ज़्यादा समझना है तो आप php.net में जाके इसकी जो डिटेल्स है वो पढ़ सकते हैं, या किसी किताब अगर आपके पास में है कोई PDF तो उससे भी पढ़ सकते हैं। और आपको कोई डाउट हो तो आप हमें मेल करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा लंबा ही हो जा रहा था वीडियो, लेकिन मैंने बहुत कम बताया फंक्शन के बारे में, और आगे की वीडियो में हम लोग और भी एग्जाम्पल देखेंगे रियल फंक्शन के बारे में। बाकी आपके ऊपर है, आप जितना पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स जरूर करें कि आपको ये वीडियो को देखने के बाद में आपको क्या फील हुआ, वो चीज़ आप बताएं। अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा, एक कमेंट्स आपको करनी चाहिए एटलीस्ट। और अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी PHP सीखें तो वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग के वीडियो देख सकें। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।